हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा विजिट वीज़ा को लेके। बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया आते हैं फैमिली विजिट वीज़ा लेके। उन सारे लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर होता होगा कि जिनके इकामा के ऊपर मैं आया हूँ, अगर उनका इकामा एक्सपायर हो जाए तो क्या हमें इकामा एक्सपायर होने से पहले सऊदी अरेबिया से वापस जाना पड़ेगा, या फिर यहीं रह के जैसा पहले होता था एक्सटेंड हो जाता था स्टे पीरियड, या फिर नियर बाय कोई भी कंट्री में जाके एग्जिट और री एंट्री करके एक्सटेंड कर लेते थे, वो किया जा सकता है। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें ये कंफर्म किया गया कि अगर इकामा एक्सपायर हो गया है तो जो विजिटर्स हैं, जो विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा वाले लोग, उनके इकामा के ऊपर सऊदी अरेबिया में आए हुए हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर हैं, वो अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे ये पता नहीं है, अपडेट नहीं है मेरे पास कि जो पहले ऑटोमेटिकली होता था जवाजात से सोरियाल देके 90 दिन का एक्सटेंशन होता था, वो शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ये एक्सटेंशन किया जा सकता है अगर इकामा एक्सपायर हो भी गया हो तो। अगर शुरू हो गया वो ऑनलाइन एक्सटेंशन तो वो किया जा सकता है, नहीं तो कोई भी नियरेस्ट कंट्री से आप एग्जिट या री एंट्री कर सकते हैं, इकामा का कोई लेना देना नहीं है। इसी में मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आप विजिट वीज़ा में सऊदी अरेबिया आए हैं और जिनके इकामा के ऊपर में आए हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे कंपनी में, उनका स्पॉन्सर चेंज हो जाता है, तो उस केस में भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और अगर मान लीजिए जो इकामा होल्डर है उन्होंने आज एक वीज़ा इशू किया आपके नाम पे, फैमिली विजिट वीज़ा, और आप अभी अपने देश में हैं, इंडिया पाकिस्तान कहीं पे भी हैं, और आपके आने से पहले ही उन्होंने एक दूसरा कंपनी ट्रांसफ़र करवा लिया, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र कर लिया, उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप वही पुराने वीज़ा में आ सकते हैं। ओके, ये 2-3 एडिशन था इसमें। और एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर हैं और जो इकामा होल्डर है, बेसिकली ये इकामा होल्डर्स के लिए है, अगर वो इकामा होल्डर्स को अगर एग्जिट जाना है तो जब तक उनका डिपेंडेंट जो भी फैमिली विजिट वीज़ा वाले यहाँ पे हैं, मैं परमानेंट विजिटर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास इकामा है उनका बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली का उनका बात कर रहा हूँ, जो फैमिली विजिट वीज़ा पे आए हैं, मतलब जो टेम्प्रेरी वीज़ा होता है मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री, उस वीज़ा पे अगर वो सऊदी अरेबिया में आए हैं आपके साथ हैं, तो आपका एग्जिट तब तक नहीं लग सकता जब तक आपका जो डिपेंडेंट है वो यहाँ पे है, उनका एग्जिट लगेगा, इसके बाद ही आपका लगेगा। इसे आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई आपके नाम पे कोई व्हीकल, कोई गाड़ी कार वगैरह अगर रजिस्टर्ड है तो आपका एग्जिट नहीं लग सकता है। तो उसी हिसाब से अगर आपके नाम पे कोई फैमिली विजिट वीज़ा है सऊदी अरेबिया के अंदर तो आपका एग्जिट नहीं लग सकता है। तो ये सारे कुछ अपडेट्स थे आप सब लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये बात पता है कि ऑनलाइन शुरू हो गया है वीज़ा एक्सटेंशन तो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी बताऊँगा। और कल मैंने आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा, उसे हर किसी को देखना चाहिए जो सऊदी अरेबिया में है। डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट को कैसे टर्मिनेट करना है और क्यों करना है, क्या ज़रूरी है उसका, वो सारी बातें मैंने बताया है। वैसे आप ट्रांसफ़र लेंगे लेकिन आपको टर्मिनेट जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफ़र होने में प्रॉब्लम होगा, तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।